पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धर्मनगरी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डीएवी स्कूल में उन्होंने रक्तदान शिविर में लोगों को प्रोत्साहित किया है। वहीं हरिद्वार के प्राचीन अवभूत मंडल आश्रम भी पहुंचे, जहां पर्यावरण और रक्तदान कर रहे लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान उनका संत समाज के लोगों ने स्वागत किया और संत समाज ने उनको आशीर्वाद दिया है। संतों ने कहा कि 5 में से किसी एक सीट पर इस बार संसद का चुनाव वह लड़ेंगे। महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि जहाँ एक और हरिद्वार सीट से कोई संत मैदान में उतरना चाहता है, वही संत भी चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बार संसद के चुनाव में उतरे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। रक्तदान भी यहाँ पर किया जा रहा है और मैंने एक आग्रह किया है कि अंगदान देहदान के लिए भी समाज को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें देह का होना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सक अच्छे चिकित्सक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम संतों के बीच में इस बात को रखेंगे और ताकि भविष्य में अच्छे चिकित्सक तैयार हो सके। उनका आशीर्वाद है, उनकी शुभकामनाएं हैं, मैं उनकी सदिच्छा के लिए उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही कुशल प्रशासक और कुशल संगठक है। उन्होंने 4 वर्षों तक उत्तराखंड राज्य को बहुत ही विशेष रूप से 0 टॉलरेंस पर चलाया और उनकी सादगी और कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है वो बहुत ही विशेष स्थान रखती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति